किया कारंस इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा, अभी तक रह रहा है। और आप क्या जानते हो कि ह्यूंडे मोटर्स इंडिया बहुत देर से एक एमपीवी जो कि किया कारंस, अर्टिका, इन सब के साथ कम्पीट कर सके उसे लॉन्च करने का सोच रहा है। स्पाइड इमेजेस हमने कब से देखी, लेकिन वो कौन सा व्हीकल था? ये द ह्यूंडे स्टारगेजर। अब ये एक बहुत ही कैपेबल व्हीकल है, एक ऐसा व्हीकल जो किया कारंस को बीट कर सकता है। किसी में दम है तो इसी में है। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या इसमें खास है, इसकी लुक्स वगैरह के बारे में क्या ख्याल है मेरा? इंजन काफ़ी डिफरेंट सा लग रहा है इसका, और जो पूरा डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक आपको नज़र आएगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये व्हीकल जेन्युइनली किया कारंस को कम्पीट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं बताऊँगा कि आपको ह्यूंडे स्टारगेजर में कौन से नए अपडेट्स मिल रहे हैं, क्या इसके अंदर नए फीचर्स हैं जो कि आपको अट्रैक्टिव लगने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें, और इंडोनेशियन इंटरनेशनल मोटर शो के सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर चेकआउट जरूर कर लें। अब अगर इसके फ्रंट डिज़ाइन को ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का लेआउट देखने को मिलता है कि ब्रश्ड आउट एलिमेंट इस तरफ, हैलोजन आपको मिलेंगे इसके फॉग लैम्प्स, एंड नीचे की तरफ भी स्पोर्टियर आपको काफ़ी बल्की जो है वो मिल जाती है इसकी स्किड प्लेट। तो देखो, स्किड प्लेट, लाइट्स, इससे काफ़ी अग्रेसिव लुक आती है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऊपर से देखोगे तो काफ़ी क्यूट लुक हो जाती है इसकी, जो कि फैमिली इसको यूजुअली अट्रैक्ट करती है। बट आप बताओ, आपको इसकी लुक जो है वो कैसी लगी? लेकिन हम बात करना चाहेंगे अब इसके ओवरऑल डायमेंशंस की, जो इसकी खास बात है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग व्हील बेस। अब लॉन्ग व्हील बेस का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपको लेग रूम बहुत अच्छा मिल जाता है। तो डायमेंशंस वाइज, क्योंकि वैसे तो प्लेटफॉर्म सेम है, बट फिर भी इसके डायमेंशंस आपके लिए किया कारंस के साथ मैं लिख देता हूँ, आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। साइड प्रोफाइल में सबसे चीज़ मुझे लगी इसके अलॉय व्हील्स, पीछे हालांकि ड्रम ब्रेक ही है, बट ये जो अलॉय व्हील्स हैं इनका डिज़ाइन अच्छा है। हालांकि दिखने में 17 इंचेस लग रहे हैं, बट हैं ये 16 इंचेस। 205x55 का सेक्शन है, 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, और फ्रंट में आपको ऑफकोर्स एक बड़ी डिस्क ब्रेक भी ऑफर की जाती है फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा ब्रेकिंग। क्वार्टर विंडो लुक्स रियली नाइस, एक पूरा स्लोपिंग डिज़ाइन इसको प्रोवाइड कर रही है, अलग सा लुक है इसका, ये बात तो पक्की है। ओवा बीम के ऊपर टर्न इंडिकेटर ऑफकोर्स आपको मिल जाएगा। मिसिंग फीचर आपको लगने वाला है इसमें 360 डिग्री कैमरा, जो कि नहीं है। इस तरफ देखेंगे तो क्रोम डोर हैंडल के साथ साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया जाता है को ड्राइवर साइड। जो आप ये ब्लैक विंडोज़ देख रहे हो इसकी, वो एक्चुअल ब्लैक यहाँ पर दिखाने के लिए की है, एक्चुअल में ये ऑफकोर्स आपको नॉर्मल ट्रांसपेरेंट ही प्रॉपर मिलेंगी। फ्यूल यहाँ से भर सकते हो, 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और उसके साथ साथ ये रही इसकी बूट स्पेस। अब ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि किया कारंस और इसका प्लेटफॉर्म एक्चुअली सेम है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें आपको फिर भी ज़्यादा बूट स्पेस लगती है। आई एम नॉट श्योर कि है भी, लेकिन लगती है। तो सामान आप अपना ज़्यादा रख पाओगे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, किया कारंस जैसे है वैसे ही ये एक प्रैक्टिकल 7 सीटर या 6 सीटर ऑप्शंस के साथ आती है, जिसमें लोग भी बैठ सकते हैं, सामान भी रख सकते हैं। इवन इससे बड़ी गाड़ियाँ हम एक्सयूवी एल्काज़ार देखते हैं, तो उसमें आप या तो बैठ सकते हो या सामान रख सकते हो, दोनों चीज़ें हो नहीं पाती। एनीवेज, बूट स्पेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी रियर साइड है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। दिस इज़ द कम्प्लीट रियर साइड। स्ट्रिप्स देख रहे हो, सीधी ये लाइन और सीधी। सो दिस इज़ एक्चुअली ह्यूंडे एच लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और इस शेप की सबसे खास बात ये है कि ह्यूंडे ने तो ठान लिया कि हम सारी लाइटें कनेक्टिंग कर रहे हैं, सिवाय क्रेटा के। क्रेटा में अभी भी कनेक्टिंग नहीं है, स्टारगेजर में कनेक्टिंग है, आयोनिक 5 में भी हम जानते हैं कनेक्टिंग है, वेन्यू में भी उन्होंने कनेक्ट कर दिया जो इंडिया में आती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है, लेकिन इसमें एक और चीज़ ध्यान से देखना, आपको डिफॉगर नहीं नज़र आ रहे होंगे, आएंगे भी नहीं क्योंकि है नहीं बैड जोक, लेकिन इंडियन वाले वेरिएंट में आपको डिफॉगर्स मिलेंगे। बाकी चीज़ें हैं, हाई स्टॉप लैंप है, वॉशर है, वाइपर है, टेल लैंप मैंने आपको दिखाई दिया, रियर कैमरा है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं, रियर में स्किड प्लेट है, रिफ्लेक्टर्स ऑफर किए जाते हैं, और इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब में ही दिया गया है, और इवन जो रिवर्स लाइट है वो आपको बल्ब इंडिया में ही दी गई है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है आपको कि LED के ज़माने में अभी भी बल्ब चल रहे हैं। चलो, आई रियली होप कि कंपनी इसको ऐसा कंटिन्यू ना रखे। चलिए, अब ड्राइवर की सहूलियत के लिए क्या क्या मिल जाता है, लेट अस चेक आउट। मैनुअल सीट्स, हालांकि हो सकता है कि जब इंडिया में आए तो इसे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बना दिया जाए। साथ के साथ सारे कंट्रोल्स यहाँ पर, जैसे कि ह्यूंडई की सारी गाड़ियों में सारे बटन्स और किया की भी ऐसे ही होते हैं, सिमिलर वही मिलेंगे। सेम आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, हर जगह हम यही देखते हैं, क्रेटा में भी यही है, सारे स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल्स इसमें मिल जाएंगे। और ध्यान से देखो, एक फीचर देखना, ये पहचानो कौन सा फीचर है, लेन कीप असिस्ट। यस, दिस वन हैज़ इट। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, बिकॉज ये कुछ ADAS फीचर्स के साथ आती है। अब वो ADAS फीचर्स हैं कौन से, लेट मी टेल यू अबाउट इट। पहले तो सबसे पहले आता है इसका अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, पेडेस्ट्रियन सेफ्टी में आ जाते हैं ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग पेडेस्ट्रियन में भी, और ऑटोमेटिक एमरजेंसी ब्रेकिंग ड्राइवर, सॉरी व्हीकल के लिए भी।
और उसमें हेल्प करता है इसका एडा सेंसर जो कि इसकी लोगो में छुपा हुआ है, और उसके साथ साथ आपको ये जो कैमरा है ये भी हेल्प करता है। अब ये है इसका टॉप मॉडल। टॉप मॉडल में आपको ऑल ब्लैक सीट्स मिल जाती हैं, बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब इंडिया में आएगा तो इसमें ड्यूल टोन ट्रीटमेंट ही ऑफर किया जाएगा। अब हम लोगों का जो फेवरेट फीचर होता है यूजुअली वो होती है सनरूफ, जो कि किया कारंस में, लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन अगेन इंडिया में जब आएगी तो इसमें आपको सनरूफ भी प्रोवाइडेड होगी। जो ये वेंट्स देख रहे हो सेम वही किया कारंस वाले, यहाँ से ब्लो करे, यहाँ से बेसिकली सक करेगी हवा और पीछे आपको ब्लो करके रियर पैसेंजर्स को जो है वो हवा प्रॉपर मिल जाएगी। रही बात सीट्स की, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। टम्बल डाउन करना इनको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, वन टच टम्बल डाउन जैसे किया कारंस में वैसे मिलते ताकि पीछे बैठा जा सके। ये सिक्स सीटर वाला वेरिएंट है, इसमें आपको वो ट्रे भी मिलती है जिसमें आप अपना कप भी रख सकते हैं, सामान रख सकते हैं। 2 या 3 kg तक का वेट ही इसके ऊपर हैंडल होगा। लेकिन मेन आ जाती है इसकी थर्ड रो, जो कि जेन्युइनली प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल होने के साथ साथ जेन्युइन लोग बैठ भी पाते हैं, उसकी हमने अलग से क्लिप बनाई है। किया कारंस वाली प्लीज़ चेकआउट कर लेना, अभी मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, नहीं तो मैं वो करके दिखा देता आपको, वो रिकॉर्ड करता मैं बैठ जाता। लेकिन अब इसका फ्रंट आपको दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से, क्योंकि यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें हैं। अब ये इसका इंटीरियर, इंटीरियर में अच्छी चीज़ क्या है, 8 inch की टच स्क्रीन, जो कि टॉप मॉडल में आपको 10.25 inch की मिलेगी जब इंडिया में आएगी। डिजिटल आपको कंप्लीट क्लस्टर मिल जाता है जैसे किया कारंस में आता है, सेम आपको यहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक एसी है, एम्बिएंट लाइटिंग अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो, ब्रश्ड आउट एलिमेंट है, स्टोरेज स्पेसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पर एम्बिएंट लाइटिंग दिख रही है आपको, ये ब्लू वाली, यहाँ पर ये पूरी ट्रे है, बहुत सामान आ जाएगा भाई यहाँ पर, तो कितने सारे फ़ोन्स आ जाएंगे। और ऊपर भी आपके पास जगह ही जगह है, यानी कि स्टोरेज ही स्टोरेज है। और नीचे भी आप अगर आप ध्यान से देखोगे गियर नॉब के पास, तो आपको मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग, USB पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने की ऑप्शन, और ऑफ कोर्स गियर नॉब जहां पर आपको पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है जिससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और कप होल्डर्स अगर आप सोच रहे हो तो वो आपको हैंड ब्रेक के पास मिल जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें नहीं आती है। बट अगेन मुझे लगता है कि जब आएगी इसमें इंडियन वाला मॉडल तब उसमें आपको हैंड ब्रेक की जगह इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक ही ऑफर करने वाली है कंपनी। अच्छी चीज़ मुझे पता क्या लगती है, इसमें सेफ्टी का ख्याल रखा गया है, जैसे किया कारंस में ध्यान तो रखा गया, सेफ्टी रेटिंग की मैं बात नहीं कर रहा, बट ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आपको 6 airbags, ABS, CVD सब आपको स्टैंडर्ड मिलेगा फ्रॉम द बेस मॉडल इटसेल्फ, हालांकि वो तो गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी भी हो गया है। ब्लू लिंक के फीचर्स आपको सारे यहीं से मिलेंगे, सारे कंट्रोल्स यहीं पर हैं जिसमें कनेक्टेड फीचर्स हैं। मैनुअल IRVM इसमें दिखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आपको ऑटो IRVM ही ऑफर किया जाएगा। आई नो आप कह रहे होगे कि भाई ये फिर गाड़ी तो बदली गई, तुम तो क्या दिखा रहे हो, क्या बोल रहे हो, कौन सी चीज़ आएगी कौन सी नहीं आएगी। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सटीरियर डिज़ाइन कैसा होगा, इंटरनल सारी की सारी किया कारंस ही होने वाली है, बस यहाँ Hyundai का लोगो होगा और जब स्क्रीन ऑन करोगे तो वहाँ Hyundai लिखा आएगा और ब्लू लिंक के फीचर्स होंगे रेदर देन किया कनेक्ट के। सो या इतना ही फर्क होगा, बाकी सब आपको सेम मिलने वाला। स्टार गेजर में ना एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, मुझे लगता है डेली लाइफ में बहुत काम आने वाला है ये। कंपनी ने यहाँ पर कप होल्डर प्रोवाइड किया है डोर साइड पे, नीचे बॉटल के होल्डर तो हैं ही, ये तीन अलग अलग सामान रख सकते हो। यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी है आपका, इस तरफ आपको नॉर्मल मिल जाता है हैंडल, डोर हैंडल, और लेकिन ये भी देखो मिल जाता है कप, क्योंकि सेंटर में एक्चुअली नहीं है, क्योंकि आर्मरेस्ट नहीं है सेंटर में वो वाली जो बेंच सीट वाली होती है, और उसके साथ साथ कप होल्डर्स नहीं है क्योंकि ये अब कैप्टन सीट्स हैं, इसीलिए उन्होंने जगह दे दी आपके लिए यहाँ पर, जहाँ पर आप अपना बड़ा छोटा जैसा मर्जी कप रख पाओगे। USB पोर्ट्स फॉर चार्जिंग एंड स्टोरेज नीड्स, ट्रे वाला फंक्शन अच्छा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ को ड्राइवर की सीट वाली साइड को मिलता है, इधर नहीं मिलता। चाइल्ड सीट एंकराजेस ये देख सकते हैं कि एक चाइल्ड सीट लगी हुई है, और मिसिंग तो लगेंगे बस एक सनरूफ ही। ये जो लाइट आप देख रहे हो ना ये गाड़ी के साथ नहीं मिलेगी, ये अभी इन्होंने सिर्फ लगाई है ताकि हम शूट अच्छे से कर सके। है कितने अच्छे हैं ना ये लोग, इंडिया में ऐसे क्यों नहीं करती कंपनीज। अब एक ऐसी चीज़ जो मुझे थोड़ी फनी लगती है, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो कि जिस तरीके से इसका बोनट ओपन होता है, कितना छोटा सा होड है इसका, लेकिन ये इसलिए क्योंकि इसका जो पूरा ये विंडशील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्लोपिंग है। बट ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली इंजन में प्रॉपर नीट एंड टाइडी मिल जाता है। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 113 bhp, 142 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT के साथ ऑफर किया जाता है। अगेन सेम एज दी किया कारंस, यस यू गेस दैट राइट। लेकिन इंटरेस्टिंगली पता है क्या बात है कि इंडोनेशिया में ये वाला इंजन ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता, लेकिन इंडियन मार्केट में किया कारंस में जो मिल रहा है और स्टारगेजर में भी मिलेगा वो 1.5 लीटर का डीजल इंजन, टर्बोचार्ज, 6-speed मैनुअल, 6-speed टॉक कन्वर्टर और 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन भी मिलेगा, जो कि कंपनी अभी सोच रही है कि 1.5 वाला टर्बोचार्ज इंजन जो कि 160 PS जनरेट करता है। बट मेरी सुझाव होगा कंपनी को, रहने दो भाई, इतनी पावर लेके कहीं कोई जाएगा, माइलेज कैसी तैसी हो जाएगी, फिर लोग कहेंगे माइलेज नहीं आती। बट एनीवेज द पॉइंट इज स्टारगेजर
एक अच्छा प्रोडक्ट है, यूनिक ज़रूर है, एक डिफरेंशिएशन लुक के साथ आता है और फीचर्स अच्छे खासे प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इंडिया में ये कब आएगा, तो उसके बारे में बता देता हूँ। अब मेरा अल्टीमेटली मानना ये है कि जब ह्यूंडई स्टारगेजर को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो एक फुल पैकेज की तरह लॉन्च किया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, जिसमें डिफॉगर भी हो। वैसे होंगे ही, डोंट यू वरी, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। अब ह्यूंडई की अपनी प्रायोरिटी है देखो इस टाइम पे, तो पहले तो 21 मार्च को आ रही वरना, उसके बाद आएगी नई वाली क्रेटा, फिर आएगी एक छोटी SUV जो कि टाटा पंच जैसी व्हीकल्स को कम्पीट करेगी, उसके बाद आएगी MPV। हालांकि इसे 2023 के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाना चाहिए था जिस तरह कंपनी के प्लान्स थे, लेकिन कई बार प्लान्स आगे पीछे हो ही जाते, टेस्टिंग तो इसको करते देखा ही जा चुका है। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये बिल्कुल सही टाइम है स्टारगेजर को लॉन्च करने का, विद इन 6 मंथ्स। अगर फेस्टिव सीजन से ये पहले इंडिया में आ जाती है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सेल ले पाएगी किया कारंस की, बिकॉज उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे कि ADAS के फीचर्स आ जाते हैं। अब इस सेगमेंट में अगर हम देखें स्पेसिफिकली तो MPV सेगमेंट में कोई और ADAS वाली गाड़ी है ही नहीं, और किया कारंस में जब फेसलिफ्ट आएगा तब इसी आ जाएगी, तो दोनों में ADAS हो जाएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा चूज़ करना। द पॉइंट इज़ अगेन कि इसका कॉम्पिटिशन किया कारंस के साथ साथ टोयोटा इनोवा के साथ भी होता है, जो कि डीजल वाली है, इनफैक्ट हाइब्रिड वाली के साथ भी, अगर हम इसका टॉप मॉडल लें, उसका बेस मॉडल लें, तो कहीं ना कहीं लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे, एक अच्छा साइज मिल जाएगा, प्रैक्टिकल स्पेस मिल जाएगी, और ऑफकोर्स माइलेज का बहुत बड़ा फर्क आएगा, क्योंकि इनोवा जो है हाई क्रॉस उसका बेस मॉडल लोगे तो हाइब्रिड नहीं है वो, तो उसकी माइलेज उतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन इसकी अच्छी आ जाएगी बिकॉज इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल भी है और पेट्रोल इंजन भी एटलीस्ट 1.5 का, तो ये बहुत बड़े डिफरेंशिएट जो है वो क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल गाड़ी का लुक अच्छा है, डिफरेंट है, ये बात तो पक्की है, वो डिफरेंट अच्छा है या बुरा वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इंडोनेशिया इंटरनेशनल मोटर शो के हमने और बहुत सारे वीडियोस बनाई है, तो उन्हें ज़रूर चेकआउट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, कि बहुत मेहनत से देखो इंडिया से मैं यहाँ तक आया, कुछ चीज़ें छोड़कर यहाँ पर आया ताकि आपके लिए प्रॉपर कंटेंट बन सके, इसलिए कहता रहता हूँ फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लो। दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी ऑल न्यू ह्यूंडई स्टारगेजर, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।